नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सारा इंडिया परिवार में देश भर में लोगों ने ठगी के शिकार हो चुके हैं। बात करें सारा इंडिया परिवार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्टमेंट हैं तो, लेकिन उनके पैसे मैच्योरिटी पीरियड निकलने के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा है। बात करें सारा इंडिया परिवार और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो, इन्होंने इनका केस जो है सुप्रीम पहले हाई कोर्ट में चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बात करें सरकार के बारे में तो सरकार भी इन्वेस्टर्स का पैसा दिलवाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। बहुत जल्दी सहारा इंडिया के खातेदारों के खातों में पैसा भी मिल सके, इसके लिए सरकार भी अपना प्रयास पूरा कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जो रिजल्ट होगा वही पारित हो पाएगा। सहारा इंडिया में पैसा बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी ने कोर्ट में हाजिर होकर एक सप्ताह का समय मांगा था और ये बताते हैं सारा इंडिया का मामला अब किसी से छुपा नहीं है। आज स्थिति यह है कि सारा इंडिया देश भर में लुके लोगों का पैसा वापस ना करने के मामले में आरोपी बनी हुई है। देश में कई प्रांतों में सारा इंडिया के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसी तरह नालंदा जिले के उपभोक्ता फॉरम में 3 लाख रुपए से संबंधित एक मामला दर्ज है, जिस पर उपभोक्ता फॉरम ने निर्देशित किया था कि फरियादी के पैसे जल्दी से जल्द पैसे लौटाए जाएं। तो सारा इंडिया परिवार में हुआ ये कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए कि उनका जो है मैच्योरिटी अमाउंट अच्छे अमाउंट के साथ मिल सके। नालंदा उपभोक्ता अदालत द्वारा कहा गया कि सारा ग्रुप को उपभोक्ता का पैसा के लिए समय पर जमा कराना होगा। अगर एक सप्ताह के अंदर पैसे नहीं दिए जाते तो गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई पर लगाई हुई रोक बेहाल कर दी जाएगी। ऐसे में सुब्रत राय को जेल जाना भी पड़ सकता है। मिलकर नई वीडियो के साथ नई जानकारी से, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।